मैं भी क्या करती। आर्यमन सर का घर छोड़कर जाने का फैसला तो ले लिया, पर समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। तो नहीं, पर हाँ कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे। अनन्या की चाल हो रही है फेल यहाँ पर, भाई वो कृष्णा को निकाल ही नहीं पा रही है घर से। हमने देखा ना किस तरीके से यहाँ पर अनन्या बोली देती है आर्यमन से कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम कृष्णा को बाहर निकालो ना, यहाँ पर क्यों उसको साथ में रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आर्यमन अब फाइनली बता देगा कि भाई मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूँ। मुझे माफ करना, मैं अपने भाई को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। मैंने अपने भाई से और अपने माँ से वादा किया था कि मैं उसके सारथी बनूंगी। मेरे लिए ना वो फीलिंग नहीं है जो मेरे लिए कृष्णा के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कृष्णा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल उस तरीके से नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पर आर्यमन अनन्या से बोलता है कि तुम मूव ऑन करो ना, मेरी तो शादी हो चुकी है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। और अनन्या समझ जाती है कि ठीक है, अब मेरे को कुछ और करना पड़ेगा। सवाल नहीं खड़ा करने दे सकते थे, इसलिए आज मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, तो मुझे माफ कर देना कृष्णा को घर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर उससे पहले ही भाई जो अनन्या के पापा हैं ना, वो कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी में अब हिस्सा हो जाना चाहिए, क्योंकि अब टाइम आ गया, अब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर भाई सारा जो इल्जाम है ना, वो कृष्णा के ऊपर ही लग रहा है, क्योंकि सब लोगों को लग रहा है कि इतनी अच्छी फैमिली थी, सब लोग साथ में रह रहे थे। अब कृष्णा द्वारकाधीश जी से प्रार्थना करूंगी आपकी दुनिया की सारी खुशियों में आने के बाद भाई बंटवारा हो जाएगा। वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि भाई मोहन का इलाज कराने के लिए जो अनुराधा है वो राजी हो गई। यहाँ पर हॉस्पिटल में भाई उसका इलाज होना है ना, सारी चीजें होनी है, वो लड़की बनना चाहती है, और यहाँ पर इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते। तो भाई कृष्णा बोलती है कि मैं आर्यमन से तो नहीं लूंगी, तो अच्छा जिस फैसले ने मुझे ये बता दिया कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या जगह थी, पागल मैं था। अनुराधा तैयार हो जाती है, और यहाँ पर मोहन और अनुराधा सारे लोग, ये लोग हॉस्पिटल गए होते हैं, और ये आर्यमन देख लेता है। आर्यमन को समझ में नहीं आता ये लोग हॉस्पिटल के गए हैं, और आर्यमन जब उनका फॉर्म देखता है तो पता लगता है इस पे तो मोहन का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पर वो मेल से फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्म भी देख लेता है, और ये देख करना उसके होश उड़ जाते हैं। अब उसको समझ में आ जाता है कि अनुराधा से वो इसलिए मिल रहे था क्योंकि मोहन ना अनुराधा की तरह बनना चाहता था, और वो उसी तरीके का है, मतलब वो लड़की बनना चाहता था, लड़की की तरह सजना संवरना चाहता था। और ये सारी चीजें जब आर्यमन के सामने आई ना, तो उसके होश उड़ गए। तो भाई अब देखते हैं क्या मोहन की वजह से यहाँ पर आर्यमन और कृष्णा के बीच में दरार आ जाएगी, क्योंकि अभी तो उन दोनों के बीच में प्यार होना शुरू हो गया था ना। कृष्णा भी आर्यमन से प्यार करने लगी थी, और आर्यमन को भी थोड़ा थोड़ा कृष्णा के लिए फील होने लगा था, उसको प्यार भी होने लगा था। तो अब देखते हैं कि भाई क्या मोहन की वजह से वो कृष्णा को छोड़ देगा।